मेरे अकाउंट में ऑलरेडी है तो मैं उससे भी लोन अपना ई कटवा सकता हूँ ये मेरा रूल है मैंने दोस्तों इतने का गाड़ी लिया है ठीक है लगभग चौबीस पच्चीस लाख का गाड़ी है तो मेरे अकाउंट में एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट पैसा था तब मैंने वो ई करवाया कि चलो अगर दो तीन साल तक तो मैं ऐसे ई एम चलवा ही दूंगा अदरवाइज बेच दूंगा क्या लेकिन पैसा मैंने उसका फिफ्टी परसेंट एटलीस्ट रख लिया था एमआई करवाया मुझे भी महीने में अच्छा खासा पैसा में भरना पड़ता है टाटा हैरिया जो मैंने लेकर रखा है अब देखिए अभी आज के टाइम पे मेरा इतना अच्छा खासा इनकम होता है ना कि मैं बी भी एम में उठा सकता हूं जाकर के मर्सडीज उठा सकता हूँ ठीक है लेकिन महीने में कितना बन जाएगा पचास पचास हजार मुझे ए भरना पड़ेगा पचास पर महीना भरना पड़ेगा तो इसको लेने से पहले दस बार नहीं सौ बार सोचना है हजार बार सोचना है कि पचास हजार रुपए पर महीना एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है आज के डेट पे अगर कोई दो चार लाख कमा रहा है वो सोचेगा पचास हजार महीने में देने में क्या है लेकिन भाई एक साल बाद अगर मान लीजिए आपका नहीं उस तरह का इनकम हो रहा तब आप पचास हजार कहां से भरोगे महीने में और कार वगैरह ये सब जो चीज होता है ना दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट नहीं है ये वेस्ट है ये इन्वेस्ट नहीं है ये क्या है वेस्ट है आज आपने एक दस लाख का कार खरीदा और आप दो दिन बाद अगर बेचने जाओगे ना तो उसी में दो से चार लाख आपका माइनस जाएगा कम हो जाएगा बढ़ता तो है नहीं इन्वेस्टमेंट तो आपका है नहीं आप कोई प्लॉट तो नहीं खरीद रहे हो आप कोई आ, सोना गोल्ड वगैरह तो नहीं खरीद रहे हो कि उसका चलिए आने वाला डेट पे आपका प्राइस बढ़ जाएगा पैसा इंक्रीज हो जाएगा नहीं कार वगैरह फोन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो भी लैपटॉप टैबलेट लंद जो होता है ना ये सब आपका वेस्ट है इन्वेस्ट नहीं है तो अपना ध्यान इन्वेस्ट में दे और अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आप फ्यूचर में पैसा कमाना शुरू करोगे या फिर कमा रहे हो तो बिजनेस के ऊपर में भी ध्यान जरूर दो क्यों क्योंकि गारंटी नहीं है बार बार यही चीज बता रहा हूं कि आज के चल रहा है साल भर बर चलेगा नहीं चलेगा कोई गारंटी नहीं है तो अपने दिमाग से ऐसा भी सोचो कि और इनकम का सोर्सेस क्रिएट करो सिर्फ सोशल मीडिया के पीछे मत पड़े रहो फिर बाद में पछताना पड़ेगा आज के डेट पे आपको अगर नहीं पता तो मैं पता मैं बता खुद अपना बिजनेस प्लानिंग कर रहा हूँ मैं देखिए मैं अपना एक स्टोर ओपन कर रहा हूँ एक मिनी शोरूम बोल सकते हो जहां पर ऑल टेक गैजेट रहेगा जो भी कुछ भी टेक में होता है लाइक बोर्ड ये बोर्ड भी मेरे पास आपको मिल जाएगा स्मार्टफोन मिल जाएगा कैमरा मिलेगा लैपटॉप मिलेगा गोप्रो ट्राईपोड स्टैंड माइक

एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट कर रहा हूँ बस और कुछ नहीं अगर महीने में दस बीस हजार भी उसमें अगर काट कूट के अगर बच के निकल जाए ना तो बहुत है मेरे लिए लेकिन एक सोर्स तो बना रहा हूँ कि चलो यूट्यूब इनकेस का भी डाउन हुआ तो वहां से भी कुछ पैसा आ जाएगा और आगे भी मैं और बहुत कुछ करने वाला हूँ अभी जस्ट मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ ये मेरा स्टार्टअप है देखते हैं आप लोगों का सपोर्ट प्यार कितना बना हुआ रहा था मेरे ऊपर में बाकी आई होप आप लोग समझ में आ गया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ जिस दिन आप कार खरीद रहे हो लोग आपको तारीफ करेगा लेकिन आप उसी कार को जब बेचोगे ना कि पैसा इनकम नहीं हो रहा बेच रहा हूँ तो लोग आपको गाली देगा

नहीं चाहते हैं आई होप्स आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से कदम उठाओ प्लानिंग के साथ चलो पैसा कमाना आसान बात होता है पैसा कमाना ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन पैसे को कमा करके उसका मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी बात है यह भी एक कहावत है ठीक है आई होप्स आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आई है अगर पसंद आया तो लाइक करे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना चलिए आज के इतना ही तब तत्पुल जय हिंद वंदे मातर तो अभी जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं अपना कार बेच रहा हूँ ये चीज़ गलत था जस्ट मैंने वीडियो पर हाइप बनाने के लिए मैंने ये बनाया था मेरा इतना दिन अभी खराब नहीं हुआ कि मैं अपना कार बेचूं ठीक है और अगर बेचना भी होगा तो मैं अपने शौक से बेचूंगा पैसे की किल्लत के वजह से नहीं बेचूंगा ठीक है क्योंकि मैं मैनेज करके चलता हूं हर एक चीज मेरे पास जितना मेरा कार का ई अभी मुझे भरना है पाँच सालों में वो मेरा ऐसा है कि मैं सेटलमेंट करके रखा हूँ ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ जब बेचना होगा तो मैं अपने शौक से हो सकता है बेचूंगा दूसरा कार लेना होगा तो बेचूंगा ऐसा सीन है बट अभी बेचने का कोई नौबत नहीं आया है जस्ट मैंने ऐसे आप लोगों से मजाक किया था